हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ और मैं आपको चाहता हूँ ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। और ये बहुत लोग पूछते थे कि ये जो चीज़ है क्या। अभी मैं चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो चीज़ ये है कि आप लोगों ने DBS तो सुना होगा कि DBS क्या होता है। बहुत लोग होते हैं जिनका कंसर्न होता है, जो DBS को समझते हैं कि ये पुलिस सर्टिफिकेट है, एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो इंडिया से वो ले आएंगे या किसी भी कंट्री से ले आएंगे अपनी कंट्री से, तो यहाँ वैलिड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है तो बिल्कुल आप निकाल दें इस डाउट को, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। आप अपनी कंट्री से कोई भी सर्टिफिकेट लाएंगे, अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे वैलिड होगा। तो मैं आपके DBS के बारे में बताता हूँ कि होता क्या है। सो गाइस, DBS होता है डिस्क्लोजर बेयरिंग सर्विसेज। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक सर्टिफिकेट बनाती है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट में होता क्या है कि उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करी होती है कि आपके बारे में होगा, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये DBS सर्टिफिकेट होता है। और ये लोग मांगते कौन कौन है DBS सर्टिफिकेट? सो मोस्टली एम्प्लॉयर्स, जो अगर आप जॉब करने जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि DBS सर्टिफिकेट भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, आप उन एम्प्लॉयर्स से, जो बहुत एम्प्लॉयर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपका DBS सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे ऐसी एजेंसीज हैं जो DBS सर्टिफिकेट में डील करती हैं और हेल्प करती है बनाने में, जो गवर्नमेंट के थ्रू बन के आता है, पूरी आपकी वेरिफिकेशन होती है। अब मैं DBS के बारे में आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। DBS जो होते हैं वो तीन चार टाइप्स के होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है आपका, एक बेसिक होता है, एक एडवांस भी होता है। तो इसमें मल्टीपल तरीके की आपकी वेरिफिकेशंस होती हैं। कोई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं, कोई कन्विक्शन तो ऐसा नहीं लगा, कहीं आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में तो नहीं फंसे हुए, कुछ भी आपका जो भी रिलेटेड होगा आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बता दूँ कि हु वॉन्ट्स द DBS सर्टिफिकेट। सो बेसिकली जितने भी आपके यहाँ पे आपको मेडिकल लाइन हो गई आपके यहाँ पे, या फिर आपकी ऐसी जॉब्स हो गई जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, या फिर चाइल्ड केयरिंग हो गई, केयरिंग सर्विसेज हो गई, तो वहाँ पे ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, ये हमेशा ये इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें DBS सर्टिफिकेट चाहिए, DBS सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि DBS सर्टिफिकेट ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे उन्हें पता है कि जिन्हें वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक आदमी या औरत है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन द सेंस ऑफ आपकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई आपके ऊपर कोई ऐसी पेनल्टीज नहीं लगी हुई है, लीगल कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आपका सब कुछ ठीक है इन दिस कंट्री बेसिकली। सो ये आपको वैसा होता है। मेरे पास भी मेरा DBS सर्टिफिकेट मैंने बनवाया था, तो इट हार्डली कॉस्ट मी, ये 44 pounds से स्टार्ट होता है, और 44 pounds से स्टार्ट स्टैंडर्ड वाला होता है जिसमें स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन होती है, और ये जाता है आपका 115 to 120 अराउंड तक, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी एज वेल। सो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट में जैसे आपको बताया कि वो अपने आप DBS सर्टिफिकेट बना के देती हैं, सिर्फ आपको पे करना होता है, कभी कभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करके देती हैं। बट कई कंपनीज होती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेती हैं कि हम इतनी डिडक्शन करेंगे फॉर द DBS सर्टिफिकेट, बिकॉज वी रियली नीड द DBS सर्टिफिकेट, हमें चाहिए ही चाहिए DBS सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखना, DBS सर्टिफिकेट को कंपेयर मत करना कि मैं अगर पुलिस सर्टिफिकेट लिया हूँ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो हमारे इंडिया में मिलता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप बनवा सकते हैं, वो भी वेरिफिकेशन होती है एक तरीके की अपनी कंट्री में, तो उसको और इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो वो नहीं मानेंगे, आपको चाहिए ही चाहिए होगा DBS सर्टिफिकेट। सो मस्ट फोकस गाइस कि DBS सर्टिफिकेट बनवा लो अगर आपको केयरिंग जॉब में जाना है, ठीक है। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, या हॉस्पिटल्स की कोई जॉब है, या फिर आपका कोई ड्राइवर रिलेटेड जॉब है, मतलब जो भी होता है, तो आपके बेनिफिट ही रहता है कि वो एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हाँ इट्स ऑल गुड। तो कोई जिस भी हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं इज़ ऑल सेट, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो
बस यही डिस्कस करना था मेरे को, कभी भी कंपेयर मत करना उससे, और कि आपके पास वो है तो वो यहाँ चल जाए, वो बिल्कुल नहीं चलता, आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और मैंने आपको टाइप्स बता ही दिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में और मेंशन कर दूँगा अच्छे तरीके से कि कौन कौन सी डीबीएस की एजेंसीज़ हैं और आप किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि DBS टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपकी कंपनी कौन सी रिक्वायरमेंट मांगती है उसके हिसाब से। अगर आपको खुद भी बनवाना है DBS तो आप खुद भी बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बिग डील नहीं है। बट आल से कि गो विद दी एजेंसी, दे चार्ज सम फॉर्म्स, बट आपको वो मिल जाता है आसानी से, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, अपना पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, और आपकी जहाँ आप रह रहे हैं उसका कुछ प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होता है उनको, और वो देखते हैं बाकी की चीज़ें तो सारी निकाल लेते हैं आपका। वो कभी कभी 5 साल का भी मांगते हैं कि 5 साल आप हमें 5 साल का प्रूफ दो। तो सपोज़ करो अगर आप यहाँ पे रिसेंटली आए हो और आपसे DBS सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 साल में कैसे करूँगा। तो 5 साल आप ऐसे करोगे कि आप जहाँ पे रह रहे हो इंडिया का, पहले इंडिया तक का एड्रेस दोगे, फिर तो उसके बाद जब से जब यहाँ आए होगे आप वहाँ से तब का तब दोगे। तो ये पूरा वो देखते हैं 5 साल का कि 5 साल आप रहे कहाँ हो। 3 साल अगर आपने 4 साल इंडिया में रहे, 1 साल इधर आए हो, तो 1 साल का जब से आए हो उस डेट पर्टिकुलर डेट को आप वो डाल सकते हो वहाँ पे। तो ये एक DBS का वो है, 5 साल वो डेफिनेटली मांगते हैं। एंड नेक्स्ट यार DBS के बारे में यही बताना चाहूँगा कि ज़रूर बनवा लो, बहुत काम आता है। आगे आप जाओगे किसी भी जॉब में आप बता सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करोगे तो पार्ट टाइम और फुल टाइम एज वेल, तो DBS की डिमांड करते हैं कि यू हैव अ DBS सर्टिफिकेट विद यू। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप इंडीड पे या फिर किसी भी जॉब पोर्टल वेबसाइट पे जाके चेक करना कि सच में वो लोग मांगते नहीं मांगते, स्पेशली हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, चाइल्ड केयर इंडस्ट्रीज, और आपकी जितनी भी हॉस्पिटल रिलेटेड काम होते हैं उसमें डेफिनेटली मांगते हैं। कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ में भी ये लोग मांगते हैं कि DBS सर्टिफिकेट चाहिए, हमें DBS चेकर चाहिए। सो और ये एक नंबर सा होता है, एक फॉर्म होता है, मेरे पास भी फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब बट क्या ही दिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं आपको एक बार बस बाहर से झलक दिखा देता हूँ कि उस फॉर्म होता कैसा है। और उस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके रिगार्डिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वो सर्टिफिकेट पे एक नंबर भी होता है, जिससे अगर आप कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है आप या फिर कोई एम्प्लॉयर वो चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है आराम से कि हाँ दिस इज द फॉर्म और ये चीज़ है जो ये इसका वैलिड सर्टिफिकेट है, कोई फेक नहीं है कुछ प्रॉब्लम। तो देखो ये है DBS सर्टिफिकेट मेरा, जिस पर पूरा मेंशन है, इतना बड़ा सा पेपर है, दोनों पीछे भी है, थोड़ा आगे भी है, आगे डिटेल्स लिखी हुई है मेरी जिसमें सब कुछ लिखा है। ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है एक, और इसमें जितनी भी है मेरा इशू मैं बता देता हूँ, इसमें है क्या क्या, नेम है मेरा और मेरी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखा है इसमें, मेरा जेंडर लिखा हुआ है, एंड ये कहाँ से बना हुआ है, कौन सी एजेंसी ने बनाया उस वो भी लिखा हुआ है, उनकी भी डिटेल्स हैं इसके ऊपर, और किस एम्प्लॉयर के लिए है वो भी सारी डिटेल्स मेंशन है इस पर, और सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है। बाकी पुलिस रिकॉर्ड भी है इसमें कि आपका कोई वार्निंग्स या फिर आपको कोई कन्विक्शन या आपके ऊपर कोई भी ऐसे कुछ लॉयर टाइप में कुछ चल तो नहीं रहा, तो वो चीज़ भी इसमें मेंशन है कि आपके ऊपर कोई लीगल केस या कुछ तो नहीं है, वो भी इसमें लिखा हुआ है कि नन रिकॉर्डेड, तो दैट मीन्स इट्स अ क्लियर एंड कट केस। तो ये होता है सर्टिफिकेट, ऐसा मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, बाकी देख लो ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा। तो दैट्स इट गाइस, बस यही बताना था इस वीडियो में, और तो मैं क्या ही बताऊँ। बाकी आपको DBS के बारे में अच्छे से पता ही लग गया होगा, मैं बाकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जितनी भी है वो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगा, उसके रिगार्डिंग आप चेक कर लेना कि आपको कुछ समझ ना आए तो वहाँ से पढ़ लेना, देख लेना, और ज़रूर बनवाना है मैं बोलूँगा यहाँ हो गए तो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट रहता है। और बहुत लोग पूछते थे कि है क्या, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, डीपली एक्सप्लेन कर दिया। सो बस यार यही बताना था, बाकी चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। अपना ध्यान रखना, और कोई भी कंसर्न होता है जो ज़रूर पूछो मेरे से, मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। और टिल देन टेक केयर, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अच्छे से रहो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड एन्जॉय।